कक्षा आठवी के विद्यार्थियों को गणित सब्जेक्ट के अध्याय पंद्रह के प्रश्नों को बताने वाला हूं तो चलो देखते हैं अध्याय पंद्रह में क्या दिया है अध्याय पंद्रह में दिया है क्षेत्र मिति दिया प्रश्नावली पंद्रह दशमलव एक है इसमें प्रश्न क्या क्या है देखो पहला प्रश्न है बेलन के आधार का आकार खाली स्थान होता है तो बेलन के आधार का आकार कह रहा है तो कैसे होता है आधार का आकार आधार मतलब मान लो ठीक है देखो एक प्रकार से अगर बेलन कह रहा है तो बेलन के दोनों साइड दो वृत्त होगा देखो ये एक वृत्त है मैं बेलन बनाता हूं आपको समझाता हूँ ये क्या है ये वृत्त है ठीक है अगर इसको थोड़ा सा इस तरह से बेलन जैसे बना दे ये बेलन है ठीक है तो यहाँ पे गोल मुआ इस तरह से रहेगा और ये बेलन के हिस्से है ठीक है तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा यही तो आधार कहलाएगा ठीक है ये आधार ये ऊपर में है या आप इसे नीचे को कह सकते हो तो ये हिस्सा क्या कहलाएगा आधार तो इसके आधार कैसा दिखाई दे रहा है वृत्त के समान दिखाई दे रहा है तो इसे क्या कहेंगे वृत्ताकार तो पहला का उत्तर क्या रहेगा बेलन के आधार का आकार वृत्ताकार होता है आएगा बेलन के आयतन का सूत्र खाली स्थान होता है तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है इसका जो मान है वो क्या होगा देखो यहाँ से अगर मैं एक त्रिज्या खींचता हूं तो आर हो जाएगा और इसका मान क्या है टू पाई आर यही रहता है टू पाई आर ठीक है ये परिधि है टू पाई आर ये इसकी त्रिज्या है और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वेयर होता है ठीक है ये अंदर वाले हिस्से को क्षेत्रफल कहते हैं और ये वाला हिस्सा आप यहाँ से यहां से यहाँ इसकी लंबाई या ऊंचाई बोलते हैं इसे हम एच से दर्शाते हैं तो इन दोनों को अगर मैं गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा पाईआर स्क्वायर एच तो यही कहलाता है आयतन आयतन ठीक है ये वृत्त का क्षेत्रफल है वृत्त की परिधि है यह वृत्त के त्रिज्या है ठीक है और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है पाईआर स्क्वायर के साथ एच का गुणा कर दोगे तो वृत्त का आयतन प्राप्त हो जाएगा तो वृत्त का आयतन कितना है पाईआर स्क्वायर एच ठीक है आगे देखो इसके बाद बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई प्रत्येक सात सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन खाली स्थान होगा तो बेलन का आयतन कितना होगा तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या है पाई आर एच यही है ठीक है तो बाईस बटे सात इसका मान होता है किसका पाई का और आर का मान सात रखने के लिए कहा है तो ये सात का वर्ग और क्या कहा है देखो त्रिज्या ऊंचाई दोनों क्या रहेगा सात सात रहेगा तो त्रिज्या को मैंने सात रखा ऊंचाई को भी क्या रखूंगा सात रखूंगा ठीक है सूत्र में अब इसको हल कर देते हैं इस तरह से तो ये हो जाएगा बाईस गुड़ित सात गुड़ित सात ठीक है ये दोनों गुणा करेंगे तो उनचास और ये बाईस बाईस और उनचास को गुणा करेंगे तो नौ दुनिया अठारह एक हजार अठहत्तर आ जाएगा ठीक है उतना ही आया है देखो एक हजार अठहत्तर क्या है सेंटीमीटर तीन घात ठीक है सेंटीमीटर यहां पे देखो तीन घात ठीक है या इसे हम घन सेंटीमीटर भी बोलते हैं ठीक समझ में आ गया चलो अब ऐसे प्रश्न देखने वाले हैं ये तो अभी सिंपल प्रश्न था ठीक है अब मैं सोल्यूशन दिखा सोल्यूशन करके इसमें भी दिखाऊंगा देखो ये वाला प्रश्न दूसरा एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल तेरह सेंटीमीटर स्क्वायर है यदि इसकी ऊंचाई पंद्रह सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन कितना होगा ठीक है आयतन कितना होगा तो इसे मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाऊंगा यहाँ पे जो आंसर दिया है इसको ध्यान मत देना ठीक है मैं अपने तरीके से बताऊंगा और आसान और सरल तरीके से ही बताऊंगा आपको तो ये बेलन का आधार का क्षेत्रफल है और इसकी ऊंचाई यहाँ पे दिया है तो हमें निकालना क्या है उसका आयतन निकालना है ना चलो देखो कैसे बनाओगे तो सबसे पहले तो बेलन बना लो बेलन इस तरह से गोल वृत्त रहता है ठीक है यहाँ पे केंद्र बिंदु दे देता हूं और ये इस तरह से बेलन बन गया ये रहा नीचे हिस्सा भी ऐसे ही वृत्त है लेकिन वो दिखाई नहीं देता ठीक है जमीन में खड़ा कर दोगे तो वो दिखाई नहीं देगा ठीक है इस तरह से और हाँ क्या क्या दिया है इस प्रश्न में दिया हुआ है ऊंचाई तो इसकी ऊंचाई यहां से यहां तक के ठीक है ये वाला हिस्सा है ना वृत्त वाला यहां से यहां तक कितना दिया है पंद्रह सेंटीमीटर पंद्रह सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई दिया हुआ है और बेलन का आधार का क्षेत्रफल ठीक है तो आधार का क्षेत्रफल कह रहा है तो आधार का जो क्षेत्रफल है मतलब पाई आर स्क्वायर ये जो अंदर वाला है ना ये तो पाई आर स्क्वायर मतलब इसको हम क्षेत्रफल कहते हैं इसके क्षेत्रफल का मान है तेरा छियासी सेंटीमीटर स्क्वायर इसको इस तरह से लिखना है अब मुझे आयतन निकालना है तो आयतन कैसे निकालोगे तो मैंने क्या बताया था कि इन दोनों का गुड़ा कर देना ठीक है तो यहां पे आपको लिखना है दिया है दिया है कहके लिख लेना है दिया है आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है तेरा छियासी सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है और क्या दिया है ऊंचाई भी दिया है ना तो लिखो ऊंचाई बराबर पंद्रह सेंटीमीटर और निकालने का तरीका क्या है इन दोनों को गुड़ा कर देना आयतन तो बेलन का आयतन क्या होगा का आयतन बराबर 13 छियासी गुड़ी पंद्रह दोनों को गुड़ा करेंगे तो गुड़ा करने पे उत्तर आएगा बीस सात सौ नब्बे ठीक है अब ये दो सेंटीमीटर और एक तीन कितना हो जाएगा जुड़ के तीन सेंटीमीटर हो जाएगा घात इसमें दो है इसमें एक है तीन होगा तो तीन सेंटीमीटर तीन घात इस तरह से या इसी को आप क्या लिख सकते हो घन सेंटीमीटर भी लिख सकते हो ठीक है यही क्या है इसका आंसर है देखो बहुत आसान था ठीक है इसके बाद देखो तीसरा प्रश्न देखते हैं तीसरा प्रश्न हमें देखो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी माप निम्नांकित है ठीक है तो देखो इसकी त्रिज्या और ऊंचाई सभी में त्रिज्या ऊंचाई दिया हुआ है तो चलो पहले बेलन बना लेते हैं यहाँ भी ठीक है तीसरा प्रश्न अब हल कर रहे हैं तो तीसरा प्रश्न में मैं एक बेलन बनाता हूँ इस तरह से ये रहा और ये ऐसे ठीक है ये अब इस प्रश्न में त्रिज्या दिया है पहला में बारह दिया हुआ है ठीक है ये आर का मान है और आर का मान कितना है बारह दिया हुआ है हम चाहे यहा को ऊंचाई कहे है यहाँ पे दोनों की लंबाई तो एक बराबर रहेगा ना ठीक है तो ऊंचाई को मैं इस बार यहां पे लिख लेता हूं यहां से यहाँ की ऊंचाई ठीक है कितना है ऊंचाई है चौदह सेंटीमीटर और निकालना क्या है इस प्रश्न में आयतन निकालना है ठीक है तो जो दिया उसको लिख लेते हैं इसको किससे दर्शाते हैं एस से दर्शाते हैं तो यहां पे लिखो दिया है दिया है बेलन की ऊंचाई ऊंचाई बराबर चौदह सेंटीमीटर ठीक है और बेलन की त्रिज्या भी दिया हुआ है बराबर त्रिज्या कितना है त्रिज्या है बारह सेंटीमीटर ठीक है और बेलन के आयतन निकालना है तो सूत्र क्या होता है बेलन का आयतन बराबर पाईआर स्क्वायर एच यही सूत्र होता है पाई का मान होता है बाईस भट्टे सात आर का मान कितना है बारह है और यहाँ पे वर्ग है इसलिए इसको भी वर्ग करना है एच का मान चौदह है तो ये हो गया बाईस कट गया बारह का दो बार अगर वर्ग है यहाँ पे तो मतलब बारह गुणित बारह होगा तो बारह गुणित बारह एक सौ चौवालीस होता है और सात दूनी चौदह ये दो ठीक है इन सभी को गुणा कर देंगे तो इन सभी को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा गुड़ा करने पे आ जाएगा ये तिरसठ छत्तीस घन सेंटीमीटर यही आएगा इसका आंसर ठीक है समझ में आ गया ठीक तीसरा देखते हैं ठीक है तीसरा का बाकी प्रश्न तो बना लोगे ना सेम सॉल्यूशन होगा बस आपको क्या करना है यहां पे जैसे आर का मान बारह है तो देखो इसमें आर का मान कितना दिया है दो दशमलव आठ और ऊंचाई का मान पांच तो जहां पे पांच रख जहां पे चौदह है वहां पे पांच रखना और जहां पे बार रहेगा वहां पे दो दशमलव आठ रखना है इसी तरह से बीस बारह के जगह में रखना है चौदह के जगह में इक्कीस रखना है ठीक है तो सेम हल होगा तो दो प्रश्नों को इनके बना के देखना इसके बाद देखो आगे आते हैं तीसरा प्रश्न में तीसरा तो चौथा में ठीक है यह चौथा प्रश्न यदि एक बेलन का व्यास आधा कर दिया जाए तो प्राप्त नए बेलन का आयतन व पहले वाले बेलन के आयतन में क्या अनुपात होगा बहुत आसान प्रश्न है देखो क्या कर रहे दो बेलन बनेगा ठीक है पहले बेलन मैं पहले बना लेता हूँ स्टार्टिंग बेलन चौथा दो बेलन है रहेगा ये पहला बेलन है ठीक है इस बेलन के जो आयतन है ठीक है क्योंकि इसमें आयतन का अनुपात पूछा है इस वाले बेलन के आयतन डायरेक्ट लिख लेता हूं पाई आर स्क्वायर एच रहेगा ठीक है? है ये पहला बेलन है पहला बेलन ठीक है पहला बेलन तो पहले बेलन का क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पे पहले बेलन का त्रिज्या ठीक है नहीं मैं यहां नीचे लिखता हूँ ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि तो दूसरे का इस साइड लिखूंगा ना पहले बेलन का यहाँ पे त्रिज्या लिख रहा हूं त्रिज्या को आर कहेंगे ठीक है यहां से यहां की दूरी आर और ये क्या है भाई ऊंचाई है और इसकी ऊंचाई एच दर्शाएंगे ठीक है ये पहले वेलन का है तो इसका व्यास कितना होगा भाई व्यास मतलब यहां से यहां तक के तो व्यास रहेगा ये आधा यहां पे आ रहा है और यहां से यहां भी आ रहा है तो व्यास लिखो यहां पे व्यास बराबर Osionfish. दो आर रहेगा ठीक है ये भी सेंटर बिंदु से और ये सेंटर बिंदु नापेंगे तो ये भी आर तो आर आर दो बार होगा तो उसको हम व्यास कहते हैं ठीक है व्यास का आधा होता है त्रिज्या ठीक ये पहले बेलन हो गया अब दूसरे बेलन के लिए देखते हैं इस तरह से दूसरा बेलन भी बना लेते हैं ठीक है अब दूसरा बेलन के लिए क्या करना है बेलन का व्यास क्या करने के लिए कहा है आधा करने के लिए कहा है मतलब ये जो आर पूरा होता था ना इसमें ये आर होता था तो ये जो दो आर है ठीक है ये पूरा यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ आर बस बनेगा ठीक है क्या बनेगा आर बस ठीक है समझ में आ रहा है आर बस बनेगा तो दूसरा बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगा इसका आधा ठीक है त्रिज्या जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे तो पाई अपान टू हो जाएगा ये आधा हो जाएगा ठीक है व्यास को हमने आर ही मान लिया है पहले में क्योंकि आधा करने की बात कहे तो हमने त्रिज्या को आधा कर दिया ठीक है तो इसका आधा आर होता है जो आर ये व्यास बना और व्यास जो है इसका आधा त्रिज्या होता है त्रिज्या को पाई अपान टू लिखेंगे ठीक है अब ऊंचाई ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा ये जैसा है उतना ही ऊंचाई रहेगा ठीक है अब व्यास में परिवर्तन हो गया है व्यास क्या रहेगा इसका आधार रहेगा ना तो ये आर हो जाएगा आर का दोगुना ये पहले वाले कर है ठीक है समझ में आ गया अब क्या करेंगे ये दूसरा वाला है या हम इसे कहेंगे नया भी कह सकते हैं इसे हम एक और नाम दर, नाम दे सकते हैं नया बेलन भी कह सकते हैं ठीक है नया बेलन तो नया बेलन में क्या करेंगे पहले बेलन को अनुपात लेंगे तो लिखो नया या नए बेलन का आयतन अनुपात पहले बेलन का आयतन नए बेलन का आयतन क्या होगा तो देखो यहां पे मैं बता देता हूं इसका आयतन नहीं बनाया हूं ना ये होता है पाई और त्रिज्या को क्या माना है आर अपान टू तो इसका वर्ग और इसका भी वर्ग होगा ठीक है क्योंकि यहां पे वर्ग रहता है ठीक है तो वर्ग और ये एच भी ऐसा तो अब क्या करने वाले हैं इन दोनों को अनुपात में लिखेंगे तो पाई आर स्क्वेयर और ये हो जाएगा दो दो चार चार और ये एच अनुपात पाई आर स्क्वेयर एच इस तरह से इसे और कैसे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वेयर फोर एच इस प्रकार से लिख सकते हैं नीचे में बटा करके पाई आर स्क्वेयर एच इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ये पाई ये पाई कट गया ये एच ये एच भी कट गया ये वर्ग और यहाँ से ये वर्ग कट गया बस चार बचे हैं और ऊपर में क्या है कुछ नहीं मतलब एक बचा है मतलब एक अनुपात चार यहाँ पे आ जाएगा ठीक है तो एक अनुपात चार तो इस तरह से एक अनुपात चार ये क्या है आपका आंसर है वन अपान चार मतलब एक अनुपात चार उत्तर रहेगा देखो बन गया बहुत आसान प्रश्न था ठीक है नेक्स्ट प्रश्न देखो ऐसे जी, जी प्रश्न अगर रहते रहेगा ना तो बहुत आसानी से आप बना सकते हो ऐसे प्रश्नों को बहुत इजी है ये देखो यहाँ पे एक बेलना का टंकी की त्रिज्या दो दशमलव आठ मीटर और ऊंचाई तीन दशमलव पांच मीटर है उस टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए धारिता मतलब आयतन तो आयतन ही तो निकालना है कोई बड़ी बात तो नहीं है बहुत आसान है ठीक है चलो फिर से चित्र बना देता हूं मैं ये इस तरह से ये हो गया पानी की टंकी है ठीक है पानी की टंकी ये रहा और इस प्रश्न में त्रिज्या क्या दिया ये सेंटर बिंदु है तो आर का जो मार रहेगा इस प्रश्न में वो है दो दशमलव आठ दिया हुआ है ठीक है और वो भी मीटर में तो एम लिख लेता हूँ मीटर का एम दो दशमलव आठ और ऊंचाई यहाँ से यहाँ की ऊंचाई ऊंचाई दिया है तीन दशमलव पाँच मीटर दिया हुआ है ठीक है ये और इसके आयतन का सूत्र क्या होता है आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच यही होता है ठीक है चलो अब जो जो दिया उसको लिख लेते हैं तो टंकी की त्रिज्या टंकी की त्रिज्या कितना है दो दशमलव आठ मीटर और टंकी का ऊंचाई बराबर तीन दशमलव पांच मीटर है, ठीक है ठीक है। अब बेलन की धारिता निकाल लेते हैं धारिता। धारिता बेलन की धारिता का सूत्र क्या होता है मैंने क्या बताया था आयतन ही बेलन की धारिता है तो पाई आर स्क्वायर एच अगर धारिता कहेगा ना तो आपको आयतन ही समझना है ठीक है तो ये सूत्र में मान रख देते हैं पाई का मान बाईस बटे सात आर का मान दो दशमलव आठ और यहाँ पे वर्ग है ठीक है तो दो बार लिख लेता हूं वर्ग का अर्थ दो बार ही होता है और एच का मान कितना है तीन दशमलव पांच ठीक है डायरेक्ट इन सभी को गुड़ा करेंगे ठीक है तो सब चीज हो रहा है कट फिट होने के बाद जो उत्तर आएगा वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं छियासी दशमलव दो चार मीटर तीन घात ठीक है क्योंकि ये तीन घात में रहेगा आयतन है तो आयतन को हम हमेशा तीन घात में लिखते हैं ठीक है तो मीटर का तीन घात अगर क्षेत्रफल होता तो दो घाट अगर लंबाई या ऊंचाई निकालने के लिए कहता तो एक घात रहता है उसमें ठीक है समझ में आ गया चलो इसके बाद देखो ये वाला छठवा प्रश्न यहाँ पे छठवा प्रश्न ये व्यास है और ये क्या है नब्बे सेंटीमीटर लंबी लोहे लोहे की ठोस छड़ बनवाने के लिए कितने लोहे की आवश्यकता पड़ेगी ठीक है इसको कैसे हल करोगे तो इस बार लोहे की छड़ बनाना है ठीक है लोहे की सॉरी लोहे की छड़ों के व्यास वाला बताया चलो मैं बताता हूँ कैसे बनेगा देखो पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ छठवा प्रश्न में दिया है कह के ठीक है दिया है क्या दिया हुआ है व्यास दिया है कितना है एक दसमलव चार सेंटीमीटर त्रिज्या मुझे निकालना है तो त्रिज्या क्या होता है इसका आधा तो मतलब एक दशमलव चार को दो से भाग दे देंगे तो जीरो दशमलव चार सात सेंटीमीटर क्या आ जाएगा त्रिज्या प्राप्त हो जाएगा त्रिज्या निकल गया अब लंबाई ठीक है या लंबाई को हम क्या कहते हैं ऊंचाई कहते हैं लंबाई और ऊंचाई इसमें अलग नहीं है तो लंबाई दिया है नब्बे दिया हुआ है है प्रश्न में ठीक अब बेलन का आयतन निकाल लेते हैं तो बेलन का आयतन ये क्षण भी बेलन वाले ही सूत्र में बनेगा ना क्योंकि ये भी गोल रहता है और इसमें भी वृत्त जैसी आकृति रहता है ठीक है तो इसलिए पाईआर स्क्वायर एच, इस सूत्र में मानों को रख देंगे ठीक है अलग नहीं था सेम है तो ये बाईस बटा सात गुड़ित आर का मान जीरो दो बार लिख लेते हैं वर्ग रहता है इसलिए ये रहा दो बार और यहां पे पीछे में नब्बे ठीक है अब इन सभी को काट फिट करने के बाद जो उत्तर आएगा वो मैं लिख लेता हूँ आप लोग गुड़ा कर लेना काट फिट कर लेना ठीक है तो ये उत्तर आएगा एक सौ अड़तीस दशमलव छह जीरो सेंटीमीटर कितने घात रहेगा आयतन है तो तीन घात रहेगा ठीक है यही क्या है इसका उत्तर है ये रहा इसका आंसर, तो इस तरह से प्रश्न वाली पंद्रह दशमलव एक पूरा कंप्लीट हो गया